ये अपना मीठे पानी का सीप होता है जो कि तालाब में, नदियों में और नहरों में हमारा मिलता है। इसमें हम लोग ये डिज़ाइन इम्प्लांट करते हैं। डिज़ाइन कोई भी हो सकता है आपका, आधा गोल, पूरा गोल डिज़ाइन, ठीक है, गणेश जी का आकृति वाले डिज़ाइन, वो हम लोग क्या करते हैं, इसे 1 सेंटीमीटर तक खोलते हैं सीप का सेल। उसके बाद इसे एक तरफ यहाँ, दूसरी तरफ, या गोल मोती होता है तो उसके गोनार्ड सर्जरी करते हैं। उसके बाद हम लोग इसे ऐसे पानी में लटका के रखते हैं 7 से 8 महीने, 9 महीने। तो हमारा डिज़ाइनर जो मोती है वो लगभग 9 से 10 महीने में तैयार हो जाता है। उसके बाद अपना जो आधा गोल मोती है वो 16 से 18 महीने में, और 2 साल में अपना पूरा गोल मोती जो हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में जितना मोती तैयार होता है उसका 47% इंडिया इम्पोर्ट करता है, जिसमें 70% जो मोती है लगभग जो चाइना का आता है वो नकली मोती आता है, ठीक है। तो हमारी जो आप लगा सकते हैं अंदाजा कि जो पूरे वर्ल्ड का 47% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो पूरे भारत में कितनी बड़ी खपत है। अभी हम अगर जितने किसान भाई लगे हुए हैं हम लोग इसमें कार्यरत हैं, और ये लगभग लगभग अभी 5 से 6 सालों में हम लोग इसे मार्केट में पहुंचा सकते हैं। अभी मार्केट में अवेलेबल भी नहीं मिलेगा। अगर एक छोटे लेवल से एक किसान शुरू करना चाहता है इसे मोती की खेती को, तो 300 स्क्वायर फीट जगह से आप 7 से 8 फीट गहरा रहेगा, 1000 सीप से हम लोग इसे शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपका जो एक किसान का खर्चा आएगा वो 15 से 20 हज़ार रुपये का पूरे साल का, जिसमें सीप हो गया आपका अगर आप खरीदते भी हैं, न्यूक्लियस हो गया बनाएंगे या खरीदेंगे, उसके बाद जाल हो गया, इसका फीडिंग हो गया, एल्गी खाता है, 4-5 तरह की एल्गी है, स्पिरुलिना, क्लोरेला और आपका डायोटम एल्गी, ये एल्गी खाता है, और आपका लगभग प्रॉफिट जो रहेगा हम लोग बिल्कुल मिनिमम रेट जो एक किसान बेच सकता है 70% सर्वाइवल के साथ में 1400 से 1500 मोती आप तैयार कर सकता है किसान, जो कि मिनिमम रेट अगर आप 100 रुपये का भी सेल करते हो तो भी आपका 1.5 से 2 लाख रुपये का आप 9 से 10 महीने में तैयार कर सकते हैं। किसान का अभी तक कोई भी मंथली इनकम नहीं होता था, तो एक किसान अगर एक मंथली इनकम भी अरेंज करता है तो भी 10 से 12 हज़ार रुपये महीना वो कमा सकता है। इसीलिए हम लोग इसका ट्रेनिंग भी करवाते हैं, सर्जरी सेटअप सब कुछ हम लोग इसे सिखाते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तीनों का तरीका अलग रहता है, आप ये पक्के टैंक में करोगे तरीका अलग रहेगा, पॉलिथीन लगा के शुरू करोगे तरीका अलग रहेगा थोड़ा, और बाकी नेचुरल का तरीका पूरा अलग रहेगा। तो सबका तरीका पूरा अलग होता है, हम तीनों तरह का आपको सर्जरी का तरीका सिखाते हैं। बाकी ड्रम में आप लोग घरों में भी शुरू कर सकते हैं मोती की खेती, उसका ड्रम का तरीका पूरा आपका अलग रहेगा। एनवायरनमेंट कैसे मेंटेन करना है, कैसे कंट्रोल करेंगे टेम्परेचर को, वो सब चीज़ें हम लोग इसमें सिखाते हैं।